देख रहे हैं सच दर्शन। राजधानी दिल्ली में महिलाएं और बच्चियां कितनी सुरक्षित हैं, इस बात का अंदाजा आप इससे ही लगा सकते हैं कि पड़ोस में रहने वाले एक शादीशुदा और दो बच्चों के पिता ने महज 11 साल की बच्ची को खिलाने के बहाने से घर में बुलाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और बच्ची किसी को कुछ ना बताए इसके लिए बच्ची को धमकाया भी। जहां मासूम बच्ची डरी और सहमी सी घर पहुंची, जब बाद में बच्ची ने घर वालों को आपबीती बताई, ऐसे में पीड़ित परिवार ने तुरंत मामले की शिकायत पुलिस में की। जहां नांगलोई थाना पुलिस ने पीड़ित परिवार और मेडिकल पुष्टि के बाद आरोपी युवक को अरेस्ट कर लिया है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक का नाम मुस्तकीन है और वो शादीशुदा है और दो बच्चों का पिता भी है और आरोपी व पीड़ित परिवार एक ही मकान की दूसरी मंजिल पर किराए पर रहते हैं। जहां पीड़ित परिवार के घर में आरोपी का आना जाना था और दोनों परिवार एक दूसरे को बखूबी जानते भी थे। वहीं आरोपी पीबीसी गोदाम में काम करता था। हालांकि पीड़ित बच्ची आरोपी को अंकल कहकर बुलाया करती थी, जिसके चलते बच्ची आरोपी के बुलाने पर आराम से उसके घर गई, जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल नांगलोई थाना पुलिस ने आरोपी मुस्तकीन के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 506 और 6 पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। पश्चिमी दिल्ली के नांगलोई इलाके से ब्यूरो रिपोर्ट, सच दर्शन।